वीडियो में हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में से कुछ सवालों को लेकर आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, 80 रुपए का कोई सामान है आपके पास में, ठीक है, उसको आपने क्या किया, उसको कितने का बेच दिया, 100 रुपीज का बेच दिया। तो आपको यहाँ पे जाहिर सी बात है, सिंपल पता चल रहा है कि हमने फायदे में बेचा है, ज्यादा पैसों में बेचा है। तो कितने ज्यादा पैसों में बेचा है, 20 रुपए ज्यादा हमने लिए, 80 रुपए के सामान में 20 रुपए और बढ़ा दिए तो 100 रुपए हो गया। तो आपको ये तो पता है, ये हमने खरीदा था पहले कितने का, 80 रुपए का, तो ये क्रय मूल्य हो गया। बेचा कितने का, 100 रुपए का, जो बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। और इसमें कितना हमने फायदा लिया, 20 रुपए का फायदा लिया। तो ये 20 रुपए जो है, इसे हमें परसेंटेज में बताना है कि ये जो फायदा लिया है 20 रुपए का, ये कितने परसेंट है। तो परसेंट निकालने के लिए जो हमने खरीदा था उसका इस्तेमाल करेंगे। खरीदा था 80 रुपए में, तो हमें ये बताना है कि ये 20 रुपए 80 रुपए का कितने परसेंट है। तो जितने में खरीदा जाता है उसी में, इसमें हमने पहले खरीदा था इसी में हम परसेंटेज निकालेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको निकालने के लिए जितना फायदा हुआ है उसको ऊपर लिखिए, और जितने का वो सामान था पहले वो उसका विक्रय मूल्य होता है और उसी को आप नीचे रखेंगे। तो फायदा जितना हुआ वो ऊपर और जितने का खरीदा था वो नीचे। तो अब इससे पता चल जाएगा ये 80 रुपए, 20 रुपए जो है ये 80 रुपए का कितने परसेंट है। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये 100 अपने मन से लगा दीजिए। जब नंबरों को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 लगा दिया जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकलेगा कि 20 रुपए 80 का कितने परसेंट है। तो एक से एक जीरो कट गया, दो का पहाड़ा एक बार पढ़ा दो, दो का पहाड़ा चार बार पढ़ा चार, दो का पहाड़ा चार बार पढ़ा तो आठ, ये कट गया। अब नीचे कितना बचा आपके पास, ऊपर तो यहाँ वन बचा है, वन का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। नीचे सिर्फ 4 बचा है तो 4 लिखा रहने देंगे, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 4 बन जा 4 आ जाएगा। यहाँ पे पढ़ेंगे इसको काटेंगे, 4 बन जा 4 टू जा 8 और 2 बचेगा, 2 इसके साथ जाएगा 20 हो जाएगा। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 5 जा 20 पूरा कट गया, यानी कि 25% आपका आंसर निकल के आ गया। इसको जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 25% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका पहला वाला सही है। तो इस तरह के सवालों को इस तरह से किया जाता है। इसी टाइप के कुछ और सवालों को बदल कर आइए हम लेते हैं और उन्हें भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 500 रुपए की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, देखिए, जिस तरह से पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से करेंगे। आपके पास जो वस्तु दी गई है वो कितने की है, 500 रुपए की है, यानी कि आपने 500 रुपए का इसे खरीदा था, यही आपका क्रय मूल्य है। जिसमें खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य और इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। तो ये हमने 500 रुपए का खरीदा था। उसके बाद हम इस पे क्या करते हैं, या तो कुछ हम फायदा लेते हैं या तो कुछ नुकसान लेते हैं, उसके बाद बेच देते हैं। तो ये सामान अगर हमने नया लाए और कुछ ज्यादा पैसे बढ़ा कर बेचे तो हमें फायदा हो जाएगा, और अगर कोई सामान हम लाए और उसके बाद हमने कुछ पैसे कम कर दिए और उसके बाद बेचा तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि नुकसान हुआ है 500 रुपए के सामान को 5% के नुकसान पर, यानी 5% की हानि पर बेचा, तो वस्तु कितने रुपए की बेची ये हमें बताना है। तो बेचा कितने का, ये सेलिंग प्राइस हमको बताना है। कॉस्ट प्राइस तो दिया है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बताना है। तो ये हमने यहाँ पे नुकसान हुआ है ये तो आपको बताया गया है, मगर कितने रुपए का नुकसान हुआ है ये नहीं बताया गया है, मगर ये बताया गया है कि 5% के नुकसान पर बेचा गया है। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पता था कि 20 रुपए का फायदा लेकर बेचा, तो उस 20 रुपए को हमने परसेंटेज में बदला था। और इस सवाल में आपको दिया गया है कि यहाँ पे कितने रुपए कम या ज्यादा हुए ये नहीं दिया है, ये बताया गया है कि 5% यहाँ परसेंटेज दे दिया है, और ये परसेंट जो है निगेटिव है, यानी कि माइनस में है, यानी कि लॉस हुआ है, हानि हुई है। तो 5% के नुकसान पर बेचा है, तो 500 रुपए से कुछ पैसे कम में हमने बेचा है, तो वो कितने पैसे होंगे। आप अगर अंदाजा लगाकर भी निकालना चाहे तो किस तरह से निकालेंगे, नुकसान हुआ है तो 500 रुपए का सामान है तो 500 से ज्यादा तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो होना नहीं है। अब इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा, तो क्योंकि 500 से कम आएगा, क्योंकि
नुकसान हुआ है 5% का, तो अब हम इसे किस तरह से निकालें, और इसको निकालने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, जब 500 रुपए आपके पास किराए मूल्य है, खरीदा है, तो 500 का आप क्या करिए, 500 में 5% का नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब 95% में हमने बेचा होगा। तो यहाँ पे जो भी सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा कितना, 95% आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 5% हमने कम कर दिया, 95% में बेचा होगा। तो आप इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, 500 का या तो 5% निकाल लीजिए, उसके बाद 500 में से घटा दीजिए तो 95% आ जाएगा, या फिर आप 500 का डायरेक्ट 95% निकाल लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आपको 95% ही बताना है, यही आपका आंसर होगा। तो उसके लिए हम दो तरीके क्या क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीका ये है कि आप इसका 95% डायरेक्ट निकाल लीजिए, और 500 का 95% जब निकालेंगे तो जब परसेंटेज का यहाँ से निशान हटाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर तुरंत आपके सामने आ जाएगा। एक तरीका तो आपके सामने ये है, आपको ये वाला आसान लगे इससे करिए, दूसरा मैं बता रहा हूँ वो आपको आसान लगे उससे करिए। आपको दिमाग ये भी लगाना है साथ में कि आपको आसान कौन सा लग रहा है, आप आसान वाले के साथ ही जाइए ताकि आपका आंसर जल्दी से आ जाए और आपकी गलती भी ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 500 का निकालेंगे 5%, 500 का 5% निकालिए, और फिर 500 में से घटा दीजिए तो भी 95% आ जाएगा। तो 500 का 5% परसेंटेज का निशान हटेगा यहाँ से, तो बटे में 100 आ जाएगा। किसी भी नंबर का परसेंट निकालेंगे 500 का 5%, तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ आपने मन से लिख दीजिए, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, यानी 25 रुपये हमने कम करके बेचा, यानी कि 500 रुपये का सामान था। अब 500 रुपये में से आप क्या करिए, ये 25 रुपये आप घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 500 में से 25 रुपये घटा दीजिए, 5% यही होगा, इस 25 को जब घटाएंगे तो 475 रुपये आपके सामने आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो इसमें आपको 5% निकाल के और 500 में से घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप 500 का डायरेक्ट 95% निकालिए तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप ये भी देखिए कि आपको कैलकुलेशन करने में कौन सा आसान लग रहा है, आपको ये वाला आसान लग रहा है तो भी आप कर लीजिए, 2 जीरो यहाँ से काटेंगे, 2 जीरो कट गया, अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 × 9 = 45 और 2 × 47 = 47, यानी यहाँ से भी आपका देखिए 475 रुपये, यहाँ से भी 475 रुपये। तो आपको जो आसान लगे उससे करिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसमें भी कुछ चेंजेस करते हैं और उसके बाद उस सवाल को देखें किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बताइए। तो इसे देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपके पास पहले क्या होता है, या तो कोई कॉस्ट प्राइस होता है, उसके बाद आप या तो लाभ लेते हैं, फायदा लेते हैं और उसको बेच देते हैं, और या फिर आप कुछ नुकसान लेते हैं, कुछ कम पैसे करते हैं, उसके बाद आप उसको बेच देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या कॉस्ट प्राइस और फिर फाइनल बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे कुछ कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, कम कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो आपके पास दिया गया है कि 300 रुपये में हमने सामान को बेचा, तो बेचा है तो 300 रुपये आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, SP हम लिखे दे रहे हैं, SP मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो इतने रुपये का हमने बेचा, मगर इतने में बेचा 25% का नुकसान हो गया, 300 रुपये में बेचने पर 25% का नुकसान हो गया, तो 25% का नुकसान हो गया वो यहाँ लिख दिया, नुकसान है माइनस में लिख दिया, यानी कि नुकसान करके बेचा है। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपने मन से लगाइए, तो आप इस तरह से दिमाग लगाएंगे कि ये 25% के नुकसान में बेचा, तो ये चीज़ जो लिखी है ये कितनी होगी, 75% होगी। ये आप थोड़ा सा दिमाग अपने मन से अगर लगाना सीख जाएंगे तो आपके लिए सवाल करने और भी आसान हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये 75% होगा, क्योंकि 25% के नुकसान पर बेचा तब 300 रुपये का बेचा, तो यानी कि ये जो 300 रुपये है ये 75% होगा, तभी तो 75% और 25% को मिला के 100% बनेगा। तो 100% जो चीज़ होगी वो होगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस ही हमको निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं CP कॉस्ट प्राइस, ये हमने लिख दिया है, टोटल इन दोनों को मिला के 100% होगा, यानी कि यही जो है CP जो है 100% होगा। तो 100% जितने रुपए की भी सामान था, कितने का था हमें नहीं मालूम, तो जितने का भी था उसमें हमने 25% कम कर दिए, 25% का नुकसान झेला और उसके बाद बेच दिया, तो वो 300 की बिकी,
तो ये 300 जो है वो 75% तो ही होगा, ये बस आप दिमाग लगा लेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये 300 रुपए किस नंबर का 75% है, इस तरह से निकाल लीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो हम किस तरह से निकालेंगे, 300 रुपए किस नंबर का 75% है, तो किस नंबर का 75% है, तो इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से इसको काटते हैं, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 3 × 1 = 3, 2 0 वैसे ही आ जाएंगे, 3 × 1 = 3, 2 × 6 और 3 × 5 = 15, यहाँ 25 बार में कट गया। उसके बाद 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 25 × 1 = 25, 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, 25 × 100, तो ये कट गया। 4 का 100 में अब मल्टीप्लाई करना है, 4 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे तो 1 बचा है, 1 लिखने की ज़रूरत अब नहीं है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये की वस्तु को, ये आपका ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। तो 400 रुपये की कोई वस्तु थी, अब हमको पता चल गया 400 रुपये का कोई सामान था, उसमें 25% का नुकसान झेला और 75% में बेच दिया, तो 75% में बेचा, वही तो 300 रुपये था। तो 300 रुपये आपके पास दिया था, 25% का नुकसान दिया था, आपने दिमाग लगाया कि ये 300 रुपये 75% होगा। तो हमने क्या किया, 300 रुपये किस नंबर का 75% है, इस तरह से निकाल लिया, तो 400 रुपये आ गया, जो कि कॉस्ट प्राइस है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, अगर आपको परसेंटेज का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर होगा तो। और अगर आपको इस वीडियो को देखकर जरा सी भी अगर आपको ना समझ में आया हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका परसेंटेज का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर नहीं है। तो परसेंटेज की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो आप परसेंटेज की उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप आकर इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 100% यह वीडियो समझ में आएगी और आपके इस तरह के सवालों को करने में आप सक्षम हो जाएंगे, अच्छी तरह से आप कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ।